इस किस्म की मल्टी एक्सल बस आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। आज आपको दिखाने वाले हैं गरुड़ 15M अशोक लेलैंड की ओर से 15 मीटर वाली बस, इंडियाज फर्स्ट मल्टी एक्सल बस विद फ्रंट इंजन। तो अभी तक दोस्तों इंडियन मार्केट के अंदर 13.5 मीटर चैसी ऑपरेट होता है, जिसके अंदर भारत बेंज की 18-24 बस आ जाती है, टाटा मोटर्स की LPO 18-22 आती है, आइशर की 60-19 आ जाती है और अशोक लेलैंड के पास भी 13.5 मीटर वाला प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म 15 मीटर के अंदर बनाया गया है, तो इसके अंदर आपको एक पुशर एक्सेल मिल जाता है। हालाँकि ये नॉन स्टेयरेबल है, जो वॉल्वो बसेस के अंदर आप देखते हैं जो तीसरा एक्सेल होता है डेड एक्सेल, वो स्टेरेबल एक्सेल मिलता है। तो ये हुआ ड्राइव एक्सेल और ये पुशर एक्सेल। मजे की बात ये है कि दोनों ही एक्सेल्स के अंदर आपको एयर सस्पेंशन मिलेगा। 4 एयर बेलोज वहां पे लगी है ड्राइव एक्सेल में और 2 एयर बेलोज वाला सस्पेंशन यहां पे आपको पुशर एक्सेल के अंदर मिल जाएगा। जब हम फ्रंट की बात करते हैं तो आप एयर सस्पेंशन ऑप्शन भी ले सकते हैं और पैराबोलिक सस्पेंशन ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट जस्ट अ मल्टी एक्सेल बस, 15 मीटर मल्टी एक्सेल बस, लेकिन इसमें सारा आपको एयर सस्पेंशन ऑप्शन भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब व्हील बेस की बात करते हैं तो इसमें आपको 7650 mm का व्हील बेस मिलता है और ओवरऑल ये जो प्लेटफॉर्म है ये लगभग 14.5 मीटर का प्लेटफॉर्म है। 14765 mm का इसका ओवरऑल लेंथ है। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बस बनी हुई है, काफ़ी मजबूत चैसी, बीच में रीइंफोर्समेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी जगह पे लगाए गए हैं। प्रोपेलर शाफ्ट, मोनोट्रॉन प्रोपेलर शाफ्ट मिलेगी और पीछे की ओर आपको यूनिटाइज्ड व्हील बियरिंग भी मिलेगा, जिसको कई लाख किलोमीटर तक आपको ग्रीसिंग, हब ग्रीसिंग वगैरह की जरूरत, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर आप देख पाएं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर भी दिया गया है। तो हैवी बसेस के अंदर, बड़ी बसों में, इंटरसिटी बसेस के अंदर, प्रीमियम सेगमेंट में खास तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे वॉल्वो के अंदर मिलता है। तो ये करता क्या है, ब्रेक्स के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर भी ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करता है, जिससे सेफ्टी बढ़ती है। आगे चलें तो 375 लीटर का इसके अंदर आपको पॉलीमर फ्यूल टैंक मिल जाएगा। एडब्लू टैंक की बात करें, डेफ टैंक की बात करें तो 48 लीटर का आपको डेफ टैंक मिल जाता है, जो कि अगेन पॉलीमर टैंक है। फ्रंट एक्सल की जब बात करते हैं तो वैसे इस डिस्प्ले वाली गाड़ी में पैराबोलिक कमानी दी गई है, लेकिन इसमें एयर सस्पेंशन ऑप्शन भी अवेलेबल है। और टायर्स की अगर बात करें तो 22.5 इंच के टायर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि मोटा मोटा सारे हैवी ड्यूटी बसेस के अंदर मिलते हैं। गियरबॉक्स पे आते हैं तो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। नाउ यू कंपेयर इट विद अ वॉल्वो मल्टी एक्सल बस, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है 12-स्पीड वाला, यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन। वहाँ पे आपको रियर इंजन मिलता है, यहाँ पे आपको फ्रंट इंजन मिल जाता है। काफ़ी सारी तब्दीलियाँ ड्राइवर कॉकपिट में भी की गई हैं। दिस इज अ पावर स्टेयरिंग दैट टू टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टेयरिंग, तो ड्राइवर का कम्फर्ट का भी ख्याल यहाँ पे रखा गया है। और आप गियर लीवर देख पा रहे हैं, पेपीसा छोटा सा गियर लीवर यहाँ पे दिया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट यूनिट हुई, टेलीमैटिक्स इसके अंदर स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलेगा। और अगर इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको ए सीरीज, जो 4-सिलेंडर इंजन है अशोक लेलैंड का, वो मिलेगा। लगभग 248 हॉर्स पावर की ताकत और 900 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क निकालेगा। मजे की बात यह है कि डायरेक्ट ड्राइव एसी के लिए यहाँ पे कंप्रेसर फिट करने के लिए भी अटैचमेंट दिया गया है, क्योंकि ये बसेस जनरली एसी एप्लीकेशन में ऑपरेट होंगी, इंटरसिटी एप्लीकेशन में ऑपरेट होंगी, जहाँ पे लोग बाहर से कंप्रेसर फिट करवाते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने असेंबली यहीं पे दे दी है। पुली के थ्रू ड्राइव यहीं से मिल जाएगी, तो डायरेक्ट ड्राइव एसी यूनिट इसी इंजन के ऊपर चल सकता है, आपको एक अलग से ऑक्सिलरी इंजन नहीं लगाना पड़ेगा। माइलेज की बात करें तो आज की डेट में जो 13.5 मीटर वाला सेगमेंट है वहाँ पे लगभग 3.5 किलोमीटर पर लीटर का आपको डीजल फ्यूल एवरेज मिलता है। लगभग सेम 3.5-3.5 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज की उम्मीद आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कीमत हालांकि रिवील नहीं की गई है, लेकिन हमारा मानना है कि ओवरऑल फुली बिल्ट लेवल पे बात करें, चैसी प्लस बॉडी बिल्डिंग, तो लगभग 70-75 लाख-80 लाख के आसपास आपको ये बस पड़नी चाहिए। कैसी लगी आपको अशोक लेलैंड गरुड़ 15M 2515, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।